नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया न्यूज चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। अतिक्रमण हटाने में अधिकारी कर रहे हैं मनमानी, पक्षपात कर हटाया जा रहा अतिक्रमण। दातागंज के मुख्य चौराहे पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण, लेकिन वहीं नहीं हटवाया गया अतिक्रमण। वाहन चालकों को मुख्य चौराहे से वाहन निकालते समय होती है भारी किल्लत। दातागंज में अतिक्रमण हटाओ अभियान में अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दुकानदारों में अधिकारियों के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने में यहां के अधिकारी पक्षपात करते नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हमारी दुकान फुटपाथ से काफी दूरी पर थी, फिर भी उपजिलाधिकारी ने हमारी दुकान का सारा सामान नगरपालिका कर्मचारियों से फिकवा दिया, जिससे हमारा काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आतिफ खान जख्मी ने बताया कि हमारी मार्केट में ही उपजिलाधिकारी जी को अतिक्रमण दिखाई दिया, जबकि अन्य कस्बे में बहुत ही ज्यादा अतिक्रमण है, लेकिन उपजिलाधिकारी जी को वहां का अतिक्रमण नहीं दिखाई देता है। जब इस बारे में उपजिलाधिकारी बात की तो उपजिलाधिकारी कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि ये जो जनता है इस तरह के आरोप लगाती रहती है, वहीं मुख्य चौराहे की बात की तो वह मामले को दबाते हुए नजर आते हैं। ब्यूरो चीफ अंशुल गुप्ता। आपकी दुकान में क्या मामला हुआ था? हमारे मामले में मामला नहीं हुआ, जहाँ से मैंने चूना लगाया वहाँ तक हमारे ऊपर सौदा रखी थी, फिर भी उन्होंने अपने सब लोगों ने आके हमारी इधर तोड़ दी, सब बाल्टी बाल्टी सब फैल गई, कलर वलर सब फैल गया। बाकी यहाँ पर तोड़ने लायक होती वहाँ पर उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया। पर ये पक्षपात किया गया है? हमारे यहाँ पे किया गया है, हमारी मार्केट ही में किया गया है। बाकी हमारा जबकि इधर से रोड से काफ़ी नाप लो, उससे भी अंतर कितना रोड है, फिर भी ना जहाँ पर रोड घिरा हुआ है वहाँ पर कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर जो सही था वहाँ पर उन्होंने लाओ यहाँ ये तोड़वाएं, ये लोग इन्हीं लोगों को है, और बाकी और कोई मार्केट में नहीं। जहाँ पर मार्केट जहाँ पर साले पूरे घेर रखे हैं वहाँ पर कोई नहीं उंगली लगा रहा है, ना कोई प्रशासन लगा रहा है, ना कोई लगा रहा है। बाकी इन्हें देख लिया नहीं, गरीब लोग हैं दुकानदार, यहाँ पर लाओ इन्हीं को बर्बाद करो। सब साला माल हमारा सब फैल गया, सब बाल्टी फैल गई समझे, सब दुकान की टेन पेन अटम सटम सब सालों में सुनाश कर दी। कल से जी अब तक कितने कितने कितनी जगह दातागंज में अतिक्रमण हटाया गया? ये बदायूं से बरेली तिराहा होते हुए मेला डांडी को जाने वाला मेन रोड और बदायूं तिराहे से थाने तक का मेन रोड। ये किस तरीके के दुकानदारों का अतिक्रमण था सर? ये अस्थायी अस्थायी दोनों तरीके थे, नाली को पैरामीटर बना करके नगर पालिका दोनों नाली उसके अंदर जिनके भी आ रहे थे निष्पक्ष रूप से उनको हटाया। ये अभियान कब तक चलेगा सर? अभी तो ये फेज इसका ख़त्म हो रहा है, आगे जहाँ जरूरत समझी जाएगी उसको पहले बता दिया जाएगा। जी सर, इस जगह को चिन्हित किया गया था पहले से अतिक्रमण हटाने के लिए, ऐसे ही अतिक्रमण पहले चिन्हित हो गया परसों ही। जी सर, ये दातागंज का जो मुख्य चौराहा है मेन रास्ता है, इस पर अतिक्रमण काफ़ी है, तो इसे क्यों नहीं हटाया? मुख्य चौराहा या मेन रास्ता जिसको आप कह रहे हो वो बाजार के अंदर का है। दातागंज के जो बाजार का वो सेटअप है, जो उसका स्थापना का जो तरीका है वो इतना कंजस्टेड है कि बाजार के अंदर अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलाया जा सकता है। सारे वार्डों में बहुत लेवल पे बहुत सारी सड़कें जो हैं सब बहुत पतली हैं और उनको हटाने में बहुत मास डिस्ट्रक्शन होगा, मकान बहुत हटाने पड़ेंगे और वो जनहित में ठीक नहीं। दातागंज के दुकानदार लोग ये कह रहे हैं कि सर ये जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है वो पक्षपात तरीके से हटाया जा रहा है, ये उनका अपना आरोप है। दैट्स ऑल। आतिफ खान, क्या मामला हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर हमारे पास ये पूरी मार्केट हमारी है, वहाँ ब्लॉक से लेके और पेट्रोल पंप तक, फिर हमारे पास दुकानदार लोग गए और उन्होंने कहा कि एक पक्षीय कार्रवाई प्रशासन द्वारा हो रही है। फिर मैं आया, मैंने SDM से और CO से दोनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि सर एक तरफा कार्रवाई ना करें और जो भी मेन चौराहा है सब जगह है जहाँ जाम लगता है और यहाँ तो बहुत दूर दुकानें हैं, बहुत चौड़ा रोड है, यहाँ कोई टीन वीन खसाने की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती दुकानदारों का, एक हमारा पेंटर है उसका सब सामान फेंक दिया, फल वालों के फल फेंक दिए और तानाशाही तरीके से उन्होंने काम किया है। और जो हमारे सामने
खोखों वगैरह का अतिक्रमण। हमने कहा साहब बराबर का पैरामीटर लेके आप रखिए, एक चश्मा लगा के देखिए। तो उन्होंने कहा नहीं, वो हम अपने हिसाब से ही काम करेंगे। क्या आपके दुकानदारों ने सड़क पर अतिक्रमण कर रखा था? अगर हमारे दुकानदार सड़क पर अतिक्रमण किया है तो अतिक्रमण के हम विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि सफाई हो, अभियान चले, लेकिन अधिकारियों को एक चश्मा लगाना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो हैं बहुत कायर हैं, राजनीति देख के, कुर्सी देख के और आदमी को देख के काम करते हैं। और हमारे ब्लॉक के सामने अभी लाखों रुपया लेकर इसी SDM ने अभी सब मट्टी डलवा कर वहाँ पर कम से कम 30 लाख रुपया लेकर इसी SDM दाताएगंज ने वहाँ पर दुकानों का निर्माण कराया है। वहाँ पर अवैध रूप से ढाबे बना लिए गए हैं, 20 लाख रुपया लिया है। ना आज तक इस सवाल को मीडिया ने उठाया, ना किसी नेता ने उठाया। और इस बात को मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि गंभीर रूप से देखें, बिलाक के ठीक सामने सरकारी बिल्डिंग पे के सामने 20 लाख रुपए लेकर SDM दाताएगंज ने कब्जा कराया है और इन तीनों को जबरदस्ती गिरा दिया गया है।